हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। मैं आप लोगों के साथ आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ और ये मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आप लोगों को कहूँ। ये है पावर ऑफ हैबिट या डूइंग समथिंग कंसिस्टेंटली, यानी कि आदत का प्रभाव या किसी चीज़ को अगर हम लगातार करते रहें तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको आप लोग अगर इस बात को एग्री करते हो और अगर आप चाहें तो इस बात को अपने लाइफ में, जीवन में इम्प्लीमेंट भी करें। अगर आप ये सोचो कि कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है, चाहे वो आपकी हॉबी हो, आपकी लाइकिंग हो, आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ज़रूरी हो, आपकी लाइफ के सक्सेस के लिए बहुत अच्छी हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप उसको करना चाहते हैं, किसी भी कारण से आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, आपको वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपको वो जील नहीं आ रही, वो उत्साह नहीं बन पा रहा है और आप उसकी आदत नहीं बना पा रहे, तो मैं उसका एक कारण बताना चाहता हूँ कि वो कारण अगर आप लेंगे तो आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपके लिए वो सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप एक चीज़ सोचिए दिमाग में कि अगर आप रोज़ 1 घंटे उस चीज़ के लिए काम करें, सिर्फ उस चीज़ के लिए, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ आपके लिए कविता लिखना हो सकता है, आपका म्यूज़िक हो सकता है, आपके लिए फिटनेस का हो सकता है, आपके लिए कोई प्रोफेशनल टॉपिक हो सकता है, आपके लिए वो कोई आपके कोई भी स्किल का फील्ड हो सकता है, राइट। आप खुद सोचिए कि अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है, आपको केमिस्ट्री में परफेक्ट होना है जिसमें आपको मदद कर दो, या फिर आपको पोएम राइटिंग में एक्सपर्ट होना है, आप रोज़ 1 घंटा पोएम लिखिए 21 दिन तक। जी हाँ, 21 दिन तक 1 घंटे आप पोएम लिखिए। अब आपको कैसे निकालना है वो आप सोचिए, लेकिन 1 घंटे 21 दिन तक पोएम लिखिए, 1 घंटे 21 दिन तक आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़िए, सिर्फ केमिस्ट्री। अगर आपको कुछ और करना था वो चीज़ कीजिए, रोज 1 घंटे आप वो चीज़ कीजिए। आप अपना टाइम आपकी लाइफ में से सोचिए कैसे निकालना है, सुबह निकालना है, शाम को निकालना है, आप रोज 1 घंटे 21 दिन तक निकाल के देखिए। आपको हेल्थ बनानी है, आपको अपनी फिटनेस बनानी है, उसके लिए कीजिए। आप किसी स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, आपको स्पोर्ट में बहुत आगे तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है, तो 21 दिन तक 1 घंटा वो स्पोर्ट्स पे काम कीजिए, एक खेल खेलिए, 1 घंटा पोएम लिखिए, 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा वो चीज़ कीजिए, 1 घंटा आपको जो भी करना है आप वो कीजिए 21 दिन तक। क्या होगा, 21 दिन तक अगर आप किसी चीज़ को विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के, हाँ एक चीज़ और है, बिना ब्रेक के करना है, आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है, जिस दिन छोड़ेंगे उसके बाद से वापस 21 दिन का चालू करना पड़ेगा। तो अगर 21 घंटे आपने स्पेंड कर लिए, 21 दिन में आप कितने घंटे स्पेंड करेंगे, आप केमिस्ट्री पर, उस राइटिंग पर, आपके स्पोर्ट्स पर, आपकी हॉबी पर, 21 घंटे अगर वो 21 घंटे आपने वो यूज कर लिए तो फ्रेंड्स वो आपकी हैबिट बन जाएगी, उसको आपकी आदत बन जाएगी। अच्छा, उसका एडवांटेज क्या होगा, चलो हैबिट तो बन गई, ठीक है, आपने योगा करना सीख लिया, आपने पोएम लिखना सीख लिया, 21 दिन की वो 21 घंटे की जो मेहनत है वो आपको आपके सब्जेक्ट में कंफर्टेबल कर देगी, कंफर्टेबल कर देगी, यानी कि आपको सब्जेक्ट से, उस हॉबी से, उस स्किल से, उस प्रैक्टिस से आपको डर नहीं लगेगा, उस चीज में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। योगा, गेम, स्पोर्ट, टॉपिक, सब्जेक्ट, हॉबी, उसमें आप खुद कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो आपके एक हैबिट बन जाएगी, एक आदत सी बन जाएगी, एक आपका नेचुरल पार्ट का हिस्सा बन जाएगी 21 दिन तक, ठीक है सर, 21 दिन कर लिया। अब यहां पर ये ट्रिक है, आपको सोचिए कि अगर आपने 21 दिन में ये किया है, अगले 100 दिन कीजिए आप फेज 2, मैं बोलता हूं इसको फेज 2, पार्ट 2, दूसरा भाग। 21 दिन करने के बाद अभी आपको सोचना ही नहीं 100 दिन का, आप जब इस दिन 21 दिन कर लें उस दिन आप ये कहें कि अब मैं इसको हर 1 घंटा अगले 100 दिन, 1 घंटा अगले 100 दिन इसको फिर से वही करता रहूंगा। अब आप सोचिए अगर आप किसी चीज को 1 घंटा 100 दिन और 20 दिन, ये 21 दिन, 121 दिन अगर करेंगे, 121 दिन अगर आप कविता लिखेंगे, 121 दिन अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे, 121 दिन आप अपनी हॉबी को परस्यू करेंगे, 121 दिन वो चीज करना चाहेंगे जो आपकी, आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है, तो क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने 121 दिन किसी चीज को कर लिया है तो आपका जो नोन सर्कल है, जो जानकार सर्कल है, उसमें आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट कहलाएंगे,
विशेषज्ञ कहलाएंगे। आपको सोच के देखिए, अगर आप कविता लिखते हैं 121 दिन में आप करीब करीब 100 कविता लिख लेंगे, छोटी बड़ी कच्ची पक्की आधी अधूरी जैसी भी, मैं यहां पे क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं। 100 दिन अगर खाना बनाते हैं, 100 दिन अगर आप कोई स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, 121 दिन अगर आप किसी हॉबी पे बिल्कुल विदाउट ब्रेक, सबसे इंपॉर्टेंट विदाउट ब्रेक 21 दिन, फिर 100 दिन, फेज टू, आपके जानकार सर्कल में, आपके 100 फ्रेंडों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, आपके आसपास के लोगों में, आपके ऑफिस के लोगों में, आप उस सब्जेक्ट पर स्पेशल कहलाने लग जाओगे, स्पेशलिस्ट कहने लग जाओगे, विशेषज्ञ कहने लग जाओगे, आपकी बात को सुना जाएगा। क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक घंटा 121। अगर आपने ये कर लिया, अब आप मोटिवेटेड भी हो, अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं, मोटिवेशन की जरूरत आपको पहले दिन है जरूरत है, 21वें दिन के बाद में आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है। 121 दिन के बाद में आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, आप एक्सपर्ट बन चुके। अब आप सोचो फेज थ्री, आप इसको अगले 300 दिन करें, 300 एक साल कंटिन्यूसली अगर एक साल करते हैं आप, अब आप कहां पहुंचने वाले हैं? अगर आप कविता लिखते हो और आपने 400 दिन तक कविता लिखी, 450 दिन तक कविता लिखी है, तो आप मानिए बात को, आपके शहर में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपके उस फील्ड के जो एरिया होता है, आप जो भी कह लें उसको जोन कह लें, आपके जिस भी चीज को आप कहना चाहें, राइट, आप जानकार से आगे निकल के वहां पर आ जाएंगे। अगर आप पोएम लिख रहे हैं तो आपकी कविता छपने लग जाएगी, आप सिंगिंग कर रहे हो 400 दिन तक आपने सिंगिंग की एक घंटा रोज, आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है कंसिस्टेंटली विदाउट ब्रेक, बारिश हो, ठंड हो, बरसात हो, शादी हो, ब्याह हो, छुट्टियां हो, बीमार हो, अगर आपने 400 दिन तक वो कर लिया तो आपकी लाइफ का वो हिस्सा है, और वो हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है आपके उस प्रोफेशनल और उस पर्सनल ग्रोथ में। तो 400 दिन का आप वो कर सकते हैं 20 दिन, मैं आपको वहां तक जाने के नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पहले दिन स्टार्ट करना है, 21 दिन तक आप ये चीज करके देखिए, उसके आगे की जर्नी अपने आप है, लेकिन 21 दिन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट वो 21 दिन है। और मेरे दोस्त, अगर मैं आपको उसके बाद का सीक्रेट बताऊं कि अगर वही चीज आपने अगर 3 साल कर ली, वही चीज आपने जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप 400 दिन कीजिए, अगर आपने 3 साल कर ली, यानी कि 1000 डेज 1000 डेज तक आपने कर ली, माय डियर फ्रेंड, आप आपके देश में टॉप 10 में रहोगे उस फील्ड में। छोटी सी शुरुआत, लगातार करते रहे, लगातार करते रहे, लगातार करते रहे, आपको 4 साल बिना कुछ क्वालिटी मेंटेन किए, क्वालिटी मेंटेन की बात ही नहीं कर रहे, आपको कोई डिग्री की बात ही नहीं कर रहे, आपको कोई पैसे खर्च करने की बात ही नहीं कर रहे, आपको कुछ करने की बात नहीं कर रहे, आपको 4 साल तक अगर आप अपनी उस चीज पे लगे रहे लगातार रोज एक घंटा, आपको सोच के देखिए, वो आपको वहां तक मोटिवेट होने की जरूरत नहीं कि उसको मोटिवेशन देखिए, आप 21 दिन का मोटिवेशन कीजिएगा जब भी आप कुछ चालू करें। 21 दिन सबसे पहले 5 दिन बहुत मुश्किल है, और 21 दिन अचीव कर लिया तो आपकी हैबिट बन गई, आपका इन्फ्लुएंस बन गया, आपका सक्सेस हो गया, आप इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, इंडिया में नंबर 10 पे कहलाएंगे, टॉप 10 में कहलाएंगे, अगर आप सिंगर हैं तो, आप केमिस्ट्री टीचर हैं तो, और आप राइटिंग करते हैं तो, आप खाना बनाते हैं तो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, ये छोटा सा मेरा सीक्रेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप इससे एटलीस्ट 21 दिन के लिए मोटिवेट होंगे, अगर उसके आगे की जर्नी आप अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ जो आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, करियर, जॉब, किसी भी चीज़ में, उसके लिए आप ये पर्स्यू कीजिए, स्टार्ट कीजिए 21 दिन नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक 1 आवर एवरी डे, सी द मैजिक। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड सुनने के लिए, और टेक केयर।